हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 ऑफ हनीसकल पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग वर्ल्स वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्स टू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न वो वॉज इल प्लीज्ड विद द वे ऑफ लाइफ। तो हम सबको डॉग्स के बारे में पता है, एक बार एक डॉग होता है तो वो अपनी लाइफ से काफ़ी खुश नहीं होता है। इल प्लीस्ड का मतलब होता है जो अपने आप से काफ़ी खुश ना हो। तो ये डॉग भी अपने आप से काफ़ी खुश नहीं था, और हमें पता है डॉग्स बहुत अच्छे एनिमल्स होते हैं और वो ह्यूमन बींग से काफ़ी लॉयल होते हैं। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। तो वो हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसे हमेशा फूड के लिए परेशान रहना पड़ता था, फूड को ढूंढना पड़ता था, और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता था क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहता था और फॉरेस्ट में उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल्स थे जो उसे कभी भी हार्म कर सकते थे। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन वो वॉज स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन और अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। तो उसने सोचा कि मैं कब तक ऐसे ही रहूँगा, तो क्यों ना मैं कोई ऐसा एनिमल चूज़ करूं या किसी ऐसी चीज़ को देखूं जो मेरे काफ़ी स्ट्रांग हो, जिसको कोई कुछ कर ना पाए, और उसको मैं सर्व करूंगा, मैं उसको अपना मास्टर बना लूंगा। और उसने ऐसे ही मास्टर की तलाश में अपनी खोज स्टार्ट कर दी। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्स मैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ वो वॉज एज स्ट्रांग एज ही वॉज फियर्स। वेयर आर यू गोइंग डॉग द वुल्फ आस्क्ड। आई एम लुकिंग फॉर समवन to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. Kinsmen, a relative, fierce, violent, frightening, take up service with, become the servant of. तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि जब dog अपने मास्टर को ढूंढ रहा था तो उसे एक वुल्फ मिला जो काफ़ी फियर्स और स्ट्रांग था। फियर्स मतलब वॉयलेंट या फ्राइटनिंग, जो जिससे देख के किसी को डर लगने लगे। और वुल्फ काफ़ी ऐसा ही था, वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी स्ट्रांग था। तो डॉग को लगा कि ये मेरा मास्टर बन सकता है, और उसने उसे ऑफ़र किया कि आप मेरा मास्टर बन जाओ। और वुल्फ ने कहा हाँ, मैं तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ, क्योंकि वुल्फ के लिए अच्छा ही था, उसे एक लॉयल सर्वेंट मिल गया था। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me? Darted, moved quickly, suddenly, come over you, affected you. So, इस पैरा में हमें बताया गया है कि जब वो दोनों कहीं जा रहे थे चल चल के, तो सडनली वुल्फ डर जाता है, उसे स्मेल आ जाती है बियर की। एक बियर होता है, बियर काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो वुल्फ से भी स्ट्रांग होता है। तो दोनों छुप जाते हैं। तो डॉग को लगता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि डॉग को लगता है वुल्फ काफ़ी स्ट्रांग होता है पर उसे बियर के बारे में पता नहीं होता है। तो उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम देख नहीं सकते हो, वो बियर है मुझसे भी स्ट्रांग है, अगर उसका मन करेगा तो हम दोनों को खा लेगा। तो वो दोनों छुप जाते हैं। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। द बियर एग्रीड टू दिस रेडीली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो जैसा कि इसमें देख बताया गया है कि वो बियर के पास जाता है, और जैसे उसने वुल्फ को पहले ऑफ़र दिया था उसे अपना मास्टर बनाने का, उसका सर्वेंट बनने का, ऐसे ही वो बियर को भी देता है। वो बियर के पास जाता है और बियर को कहता है कि आप मेरे मास्टर बन जाइए और मैं आपका सर्वेंट बनने के लिए रेडी हूँ। तो बियर को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगता है, तो वो उसे अपना सर्वेंट बना लेता है और वो उससे बोलता है चलो काउस के हर्ड मतलब झुंड को ढूंढते हैं, और मैं काउस को मारूंगा और फिर हम दोनों ही उसे खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून
saw a herd of cows, but just as these were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो इसमें बताया गया है कि जैसे ही वो काउस को काउस के झुंड के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ वहाँ प्रॉब्लम हो गई है. उनका जो हर्ड होता है वो आपस में ही इधर उधर भागने लगता है. तो बेयर को लग जाता है कि कुछ गलत है, उसे एक आवाज़ आ जाती है और वो जितने भी काउस होती हैं इधर उधर भागने लगती हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.